अच्छा, जो आपने पिछली चिकन यूज की थी वो बहुत सॉफ्ट थी, उसकी टिप्स क्या है कि वो कैसे सॉफ्ट होती? टिप्स ये है कि इसको हल्का सा पाउंड करना पड़े, हैमर मतलब, अच्छा मतलब हथौड़े से मारे तो उसके जो रेशा होता है वो रेशा जो होता है उसका वो ब्रेक हो जाता है, तो उस वजह से सॉफ्टनेस रहती है इसके अंदर, क्योंकि हम घर में बनाते हैं रबड़ रबड़ की, चुई नहीं होता उसकी। अच्छा, हल्की आंच पे आपने बनाया उसको ना, लेकिन ये इसकी टिप यही है कि हैमर जब आप करना है, हैमर करना है और इसके जो ये आपने मैरिनेट किया वो दोबारा से एक दफा बता दो यार, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अभी। ऑयल है इसमें, गार्लिक है, चॉप पार्सले है, फ्रेश चिली है, सॉल्ट पेपर है, ये मैरिनेट करके रख दिया एक डेढ़ घंटा, इनफ है एक घंटा बहुत। अच्छा, सॉस चेंज होते रहते हैं, चिकन वही का वही है जो मैंने पहले कहा। अच्छा, मोरक्कन का सॉस कैसे बनता है? मोरक्कन बड़ी हिट है भाई, कोयल की बहुत अच्छी होती है मोरक्कन। मोरक्कन में आपकी स्पाइस थोड़ी ऐड हो जाती है। मेरी बेटी और कहीं की नहीं खाती, वो कहती है बस कोयल की मोरक्कन चिकन रेसिपी, कोयल की मोरक्कन चिकन जो है उसका एक अपना टेस्ट है, उसका एक अपना। आज की बात कहेगी अपने ही रेस्टोरेंट की खाने की, फिर रेसिपी तो गई, बोलो। प्याज बटर में अनियन सोते करेंगे, अंदर चॉप अनियन, ठीक है। हाँ, क्या क्या जाता है इसमें? हाँ वही बता रहे हैं, ये सब रखा हुआ है। अच्छा, ये रेड कलर की होती है भाई, हाँ, ना ये हल्का सा सोते हो जाएगा, ऑरेंजिश इस तरह रस्टी। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ा सा फ्यूजन किया हुआ है इसको, टेंजी टाइप का हमारा कोयल का ब्रोकर ने टेंजी है थोड़ा, उसमें हमने चिली गार्लिक ऐड किया, थोड़ा स्वीटनेस भी इसमें आती है। अच्छा, और संबल वाली सॉस भी डाल रहे हैं इसमें। कौन सी वाली सॉस? संबल वाली, इससे मिठास कम हो जाती है, ये स्पाइसी होता है, और ये जो चिली गार्लिक है हल्का सा चिली गार्लिक स्वीट होता है, ये थोड़ा सा, लेकिन मुझे नहीं पसंद ना मीठा, मैं अपने साथ बनवा रही हूँ। अच्छा, इसका कलर बड़ा मजेदार बन जाता है मोरक्कन में, ये क्या आपको थोड़ा स्पाइस मिल जाता है ना, तो वो अच्छा, वो जो थाई पेस्ट मिलता है वो भी हम डाल सकते हैं इसमें, तो थाई पेस्ट थाई पेस्ट रेड करी पेस्ट तो अलग है, करी पेस्ट वो डिफरेंट चीज है, अलग है। ये आपने थाई चिली सॉस, ये थाई चिली सॉस इसमें सॉल्ट, अच्छा पेपर, ठीक है, वाइट पेपर डाले, क्रश चिली थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए, क्रश चिली हो गई, हां चिकन पाउडर, इनके कंटेनर्स कितने मजे के ना, मतलब हां लेमन जूस, अच्छा लेमन जूस भी जल रहा है, चिली चिकन पाउडर है, वाइट पेपर है, वाइट पेपर, नमक और लेमन जूस, कुटी हुई मिर्च और क्रीम ऐड कर दी, अब आप आखिर में क्रीम ऐड करो, ओहो मजे की, ये तो मैं आज घर जाके बनाऊंगी, तो बहुत आसान है, हां वेरी नाइस, ये कलर होना चाहिए, हां ये क्रीम के साथ, इसमें थाई चिली सॉस डाला है, इसमें चिली गार्लिक सॉस डाला है, इसमें नमक डाला है, व्हाइट पेपर डाला है, चिकन पाउडर डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डली है ना, आखिर में चॉप बेजल है थोड़ा सा फ्रेश, अच्छा फ्रेश बेजल, इसका भी फ्लेवर आएगा, इस अरोमा बहुत अच्छा, जबरदस्त, एंड रेडी, ये रेडी है, रेडी है, सिर्फ चिकन फ्राई होनी है और हाँ, और इसके ऊपर फिर डाल देनी है। अच्छा, ये पहले से ग्रिल किया हुआ है, हाँ इन्होंने पहले से ग्रिल करके, अच्छा ये ग्रिल होता है ना, ग्रिल में एक तो कम बहुत ऑयल डलता है, हमने आपको बहुत ऑयल वाले खाने भी सिखाए, हाँ और हमने आपको कम ऑयल वाले खाने भी सिखाए, कम ऑयल वाले भी, अब आप डिपेंड करते हैं आपने क्या सॉस अलग सर्व कर रहे हैं, ताकि जिसने जितनी डालनी है लेनी है वो उस हिसाब से, वैसे रेस्टोरेंट में ये लोग ऊपर ऊपर डाल के देते हैं, लेकिन एक्चुअली सॉस रखते जरूर है, हाँ अगर आपको जरूरत पड़े, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट रेसिपी क्या रह गई है? हो गई है, वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास, खुशियाँ और मोहब्बतें बांटें अपने प्यारों के साथ, पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत, जी हाँ सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज, पुल से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास, आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ, तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप।